नमस्कार जी, हम अमरनाथ यात्रा को 4 जुलाई को आए थे और हम पंचतरणी से हमने यात्रा स्टार्ट की। अब हम बालटाल में गए हैं। अब हम वापसी आने में बारिश मौसम खराब होने की वजह से हमारे कुछ साथी जो थे वो पंचतरणी में रह गए हैं और हम नीचे 3 जने नीचे आ गए हैं, 8 जने हम ऊपर रह गए हैं और काफी वो तकलीफ में है। वहाँ ना लाइट है ना पानी की व्यवस्था है, खाना भी उनको सुलभ नहीं हो पा रहा है और जो पैसे थे वो खत्म हो गए हैं। और हम अपने श्राइन अमरनाथ श्राइन बोर्ड से और सीएम खट्टर से, मोदी जी से, गृह मंत्री जी से और सिन्हा जी जो यहाँ कश्मीर के जो राज्यपाल हैं उनसे प्रार्थना करते हैं उनका रेस्क्यू किया जाए और उनको यहाँ से नीचे जल्दी से जल्दी यहाँ नीचे हमारे पास भेजा जाए ताकि हम अपने घर जा सकें। और इस टाइम वो काफ़ी परेशान है, उनमें एक दो जैसे शुगर के मरीज भी हैं, अब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो गई है। 3 दिन से वहीं पे वो भूखे प्यासे हैं। सबसे बड़ी बात है उनको खाना नहीं मिल रहा है, वहाँ पे खाने की बहुत प्रॉब्लम है। उनको कपड़े नहीं है उनके पास, एक ही कपड़े में जो डाल के गए थे वहीं है उनके पास, 4 दिन से डाल रखे हैं, गिल्ले कपड़े हैं, मौसम ज़्यादा ख़राब है। तो अभी हमें हेल्प चाहिए कि वो हम नीचे आ सकें क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं है, खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो रही है इसकी। तो हमारी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप रेस्क्यू करें कि कुछ भी करें, हम पर उनकी हेल्प करें सबकी। 8 लोग हमारे हैं लेकिन ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो वहाँ परेशान हो रहे हैं, तो सबकी हेल्प करनी चाहिए इसमें। वहाँ पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं और करनाल से मोन्टी भूपेश अरोड़ा जी तहसील में हैं, सोनू जी डीसी कॉलोनी से हैं, जश अरोड़ा जी जो हैं वो दुपट्टा मार्केट में उनकी शॉप है, काफ़ी मौजूद लोग हैं जो फंसे हुए हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं जल्दी जल्दी रेस्क्यू किया जाए उनको और यहाँ पर हमारे बीच में लाया जाए। घरों से भी बार बार फोन आ रहे हैं, भी वो काफ़ी चिंतित हैं और उनसे कल ही रात आखिरी बार बात हो पाई है, उसके बाद फोन भी नहीं चल रहे हैं। और सभी से अपील है अभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि संबंधित अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनका रेस्क्यू किया जा सके। वो फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी उनकी हालत हो चुकी है। सभी से प्रार्थना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।